नमस्ते, सबका स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम एक न्यूज़ रिपोर्ट आई थी, न्यूज़ रिपोर्ट भी नहीं कहना चाहिए, एक आर्टिकल था किसी अखबार में, जो जूलियो रिबेरो नाम का एक पुराना आईपीएस ऑफिसर है उसने लिखा था, क्रिश्चियन है ये, उस पर चर्चा करनी थी। लेकिन आज कुछ बात हम जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है नुपुर शर्मा वाले केस पर, उस पर भी करेंगे। और आपसे निवेदन है कि शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि और लोगों को जुड़ने में सहायता हो। जी, एक बार फिर से स्वागत है। आज जो मूल विषय है हमारा वो है कि किस तरह से ये एक मकड़ जाल फैला है पूरे देश में क्या पूरे संसार भर में फैला है, जो सनातन सभ्यता को हमारे देश का विनाश करने के लिए काम कर रहा है। और उसका एक छोटा सा हिस्सा थी तीस्ता से तलवार, जिसे पकड़ लिया गया, अभी हाल ही में पकड़ा है। लेकिन पिछले 24-25 वर्ष से वो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ प्रचार कर रही थी। और प्रचार करने का तरीका था कि उसको हिंदुत्व का लेबल लगा दो और हिंदुत्व के बारे में जो मर्जी बोलते रहो, और साथ में एक डिस्क्लेमर डाल दो कि हम हिंदुइज्म का सम्मान करते हैं लेकिन हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो ये जो चालाकी है ये बहुत से लोग कर रहे हैं। तीसा सेतलवाड़ का पूरा एक गैंग था जो ये करता था, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज उससे भी अधिक महत्वपूर्ण जो कुछ घटना घटी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उनका कहना है कि नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की थी उसके कारण देश में आग लगी हुई है। नुपुर शर्मा को शर्म आनी चाहिए और उसे पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। तो देश के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट के जज ज्यादा जानते होंगे, लेकिन संसार भर में क्या चल रहा है उसके बारे में एक किताब है जिसका नाम है सन ऑफ हमास। लिखने वाला है मुसाब हसन यूसुफ। ये इसने अपनी किताब में बड़ा स्पष्ट करके बताया है, क्योंकि इनसाइडर रहा था तो उसने बताया था कि किस तरह से हमास ने नेटवर्क फैलाया, मुस्लिम ब्रदरहुड का नेटवर्क फैलाया पूरे संसार भर में, और किस तरह से ये एक तो आर्म्ड जिहाद होता है जहां पर लोगों को गोलियों से, बम से, चाकू से मारा जाता है, गैर मुसलमानों को मारा जाता है। केवल वही नहीं है, उसके अलावा किस तरह से पॉलिटिक्स के अंदर एंटर किया जाता है, पॉलिटिशियंस को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है पूरे संसार भर में। तो ये किताब यदि आपको समय मिले तो अवश्य पढ़नी चाहिए कि किस तरह से पूरे का पूरा समाज जिन लोगों पे विश्वास करता है उनके साथ धोखा किया जाता है। और इसके लिए हमास नाम की जो संस्था है मिडल ईस्ट में जो काम करती है उसने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बना रखी है। और इस हसन मुसाब यूसुफ का कहना है कि आप यदि जिहाद से लड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप इंडिविजुअल्स को टारगेट कर सकते हैं, खत्म हो जाएंगे, आप ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट कर सकते हैं, वो समाप्त हो जाएंगी, लेकिन द बिगेस्ट टेररिस्ट इन द वर्ल्ड इज द टेररिस्ट ऑफ द इज द गॉड ऑफ कुरान, ये उसका कहना है। तो इसी के चलते ये पूरे संसार में लोगों के गले काटते हैं। मैंने कल भी दिखाया था कि किस तरह से ये इनका एक ट्रेडमार्क है, पता नहीं इसमें नुपुर शर्मा का कितना लेना देना है मैं नहीं जानता, क्योंकि ये सारी की सारी जो मैं फोटोग्राफ्स आपसे शेयर कर रहा हूं ये आज से कम 10 साल से तो ज्यादा पुरानी है सारी की सारी। तो देश में हो सकता है कि नुपुर शर्मा के कहने पे सारा कुछ हुआ हो जो देश में आग लगी, लेकिन संसार में आग कैसे लगी है वो पता नहीं, नुपुर शर्मा के कहे पर लगी या कोई और कारण रहा होगा उसका, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। क्योंकि आजकल होता क्या है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है उसमें एक उनका कहना ये भी है कि जो आप ये डिस्कशन कर रहे थे उसमें आप सब ज्यूडिस टॉपिक पे डिस्कशन क्यों कर रहे थे, सब ज्यूडिस यानी जिसपे
केस चल रहा, मुकदमा चल रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि टीवी चैनल पे डिबेट होनी है तो बड़ा आसान है वैसे तो, देश भर की जो विभिन्न न्यायालय हैं उनमें ऐसा माना जाता है कि 4 से 5 करोड़ भी के बीच में केसेस जो है वो चल रहे हैं। तो 4-5 करोड़ केसेस हर कोई पढ़ सकता है, समझ भी सकता है कि ये टॉपिक अगर कहीं पे सब जुडिस नहीं है तो उस पर चर्चा भी कर सकता है। एनीवे अब वो जो न्यायाधीश हैं बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए हमें उन पर उनकी बात का बुरा भी नहीं मानना चाहिए और उनका सदा ही सम्मान भी करना चाहिए। और उन्होंने बहुत सारी चीजों पे आज कमेंट किया है। देश में आग लगी एक लड़की के कमेंट्स के कारण, और फिर उनका कहना है कि जो एंकर है उस पर भी आप केस कर सकते थे, अगर आपको लग रहा था कि सामने वाला भड़का रहा है तो आपको एंकर पे केस कर देना चाहिए था। यानी आप बाकी सारा कुछ करते लेकिन ये जो आपने वो जो 2 सेंटेंस बोल दिए हैं, उन्होंने पूरे देश में आग लगा दी है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो हर रोज 5 बार लाउडस्पीकर के पर बोलते हैं कि उनका गॉड सबसे बड़ा है, केवल वही इबादत के लायक है, उससे तो कभी देश में आग लगी नहीं, इसलिए वो तो सब अच्छा करते होंगे, अगर तुम बोलोगे तो देश में आग लगेगी। तो मुझे आज ध्यान आ रहा था कि वीर हकीकत राय नाम का एक बालक था, केवल 12 वर्ष का, उसका उसे फारसी पढ़ने के लिए भेजा जाता था क्योंकि उस समय उत्तर भारत में फारसी छाई हुई थी, उससे पहले मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तो अंग्रेजों ने सिस्टम को बहुत ज्यादा बदला नहीं था। तो साथ के लड़के जो थे बाकी के ज्यादातर मुसलमान थे, तो किसी बात पर कहा सुनी हो गई। जब कहा सुनी होती है और जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर क्या कहा जाता है कि इसने रसूल की तौहीन कर दिया, तौहीन रिसालत हो गया है। ये कुछ वर्ष पहले जो पाकिस्तान से हिंदू आए हुए थे उनसे मैं मिलने गया था, तो उन्होंने भी यही बताया था कि जब इनको किसी को भी फंसाना होता, और उसने एक स्पेसिफिक इंसिडेंट बताया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान हार गया, विराट कोहली ने शायद उसमें बड़े अच्छे रन बनाए थे, तो पूरे पाकिस्तान में गुस्सा था। तो इन गुंडों के पास हिंदुओं की बस्ती थी, बेचारों की झोंपड़पट्टी थी, वहां पर पहुंचे गुंडे बदमाश और 3 बच्चियों को उठाकर ले गए, और जिन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की उनके खिलाफ तौहीन रिसालत के केस लगा दिए। तो वापस चलता हूं वीर हकीकत राय के पास, उनसे उनका मजाक उड़ा रहे थे, कृष्ण का मजाक उड़ा रहे थे, देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे थे। तो उसने कुछ कहा, 12 साल के बच्चे ने नहीं कहा, लेकिन जो मदरसे का टीचर था मौलाना था उसको बताया कि इन्होंने रसूल की तौहीन की है। तो जैसे ही आप ये करते हैं तो आपका जो फेट है वो सील हो जाता है। उस समय तो डेफिनेटली हो जाता था। काजी को बुला लिया गया, तो काजी ने बोला कि इसका तो या तो ये माफी मांगेगा या ये मुसलमान बनेगा और या इसको मरना होगा। तो अल्टीमेटली उस 12 साल के बच्चे का सर काट के उसे मार दिया गया, जिन्हें आज हम वीर हकीकत राय के नाम से जानते हैं। तो मैं कल्पना कर रहा था उस बच्चे की, 12 वर्ष का बच्चा, क्या क्या उसके मन में चला होगा कि मेरे साथ जब ये सब धोखा हो रहा था, मेरे देवी देवताओं का, मेरे इष्ट का अपमान किया जा रहा था, तो ये सारे गुंडे इकट्ठे थे, सब मिलके कर रहे थे, अगर मैं रिटॉर्ट करता हूं, मैं कुछ उत्तर देता हूं तो मैं फंसता हूं और मरता हूं। और काजी सामने आके बैठता है, उसके पास एक किताब है, उस किताब को खोल के निर्णय देता है। तो आज क्या स्थिति बदल गई है भाई? आज भी क्या जो काजी बैठे हैं वो गुंडे बदमाश हैं? क्या उनके पास भी कुरान है वो लेके बैठते हैं? सिर्फ शब्दावली बदल दी जाती है कि आज वो फारसी की बजाय किसी और भाषा में बोलते हैं, और
कितनी एरोगेंस है इनके शब्दों में, क्या कहा जा सकता है। आज आप जैसे कह रहे हैं, मेरा भी मन बहुत व्यथित है, उस समय भी व्यथित था। तो मेरे शुभ चिंतक थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, जिस तरह के ट्वीट आपने डाले हैं आपको घेर के फंसा लेंगे, कहीं पर भी एक मुकदमा दायर करना है और ये आपको फंसा सकते हैं। और उनकी बात ठीक भी है कि जब समाज में जो हमारे नेता हैं वही गुंडों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं, तो फिर हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। इस पर मैं अभी आज ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, मैं अपने मेन विषय की ओर चलता हूँ। पंजाब में जब आतंकवाद था, मैं छोटा होता था उस समय, तो पुलिस लड़ रही थी और फिर केपीएस गिल आते हैं और उसका आतंकवाद का नेस्तनाबूद कर देते हैं। बीच में एक समय एक व्यक्ति रहा था डीजीपी पंजाब का, जिसका नाम था जूलियो रिबेरो। तो मुझे याद नहीं कि उस समय अखबारें क्या बताती थी ये कैसा व्यक्ति था, लेकिन मुझे ये ध्यान है कि इसको बहुत ही सुपर कॉप करके दिखाया जाता था कि बड़ा ही महान व्यक्ति था ये जूलियो रिबेरो। आज इसका एक आर्टिकल आया है एक अखबार में, आर्टिकल का टाइटल देखिए, ग्रीविंग फॉर तीस्ता। तो इसे तीस्ता के लिए विलाप कहा जा सकता है, विधवा विलाप तो नहीं कह सकते, और कुछ लोग जो थोड़े असभ्य हैं इसे तीस्ता के लिए रंडी रोना भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि जूलियो रिबेरो ना तो रंडी हैं ना रो रहे हैं, इसलिए हम इनको ये अंग्रेजी में लिखते हैं ग्रीविंग फॉर तीस्ता, तो हम उसी हिसाब से इनकी बात करेंगे। और नीचे जरा इनकी दूसरी लाइन पढ़ लें, हर अरेस्ट विल मेक अदर एक्टिविस्ट रिलक्टेंट टू क्रॉस सोर्ड्स विद द पावर्स दैट बी। तो यहीं से समझ में आ जाता है कि तीस्ता से तलवार को डिफेंड करने के लिए आर्टिकल लिखने वाले हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं ये हमारे लिए समझना किस लिए आवश्यक है। कि आप में से बहुत सारे होंगे, जिन लोग होंगे जिनके बच्चे कोई कंपटीशन के लिए पढ़ रहे होंगे, अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए अखबारें पढ़ते हैं, तो वहां पर ये जाल बिछा होता है हिंदू समाज के लिए, जहां पर उन्हें भ्रमित किया जाता है, और उसके लिए अंग्रेजी भाषा को बड़े स्टाइल से यूज किया जाता है। उसमें पहला पॉइंट क्या आता है कि आपको ऐसा नाम यूज करना है जिसे कहते हैं अपील टू अथॉरिटी, कि भाई इतना बड़ा आईपीएस ऑफिसर था, लोग सुपर कॉप बोलते थे, आतंकवाद के समय में लड़ा है, तो बड़ा इंटेलिजेंट रहा होगा, तो पहले ही बच्चा नतमस्तक हो जाता है, अंग्रेजी में लिख रहा है, भारी भारी शब्द लिख रहा है, तो और नतमस्तक हो जाता है, और तब वो बिल्कुल एक सिटिंग डक होता है इस प्रोपेगेंडा को एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्या करते हैं जी, आई हैड ग्रेट फेथ इन द जुडिशरी, अलास आई हैव लॉस्ट इट। तो अभी जैसे आज हम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे बात कर रहे हैं कि उन्होंने टिप्पणी की है, हालांकि ये उन्होंने ऑफिशियल ऑर्डर में नहीं डाला है इसे, केवल मौखिक वक्तव्य है उनका, मौखिक टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की आज वाली। लेकिन ये जिसकी बात कर रहे हैं, जो कुछ दिन पहले क्लीन चिट दिया गया है मोदी जी को, अब देखिए हमारी भी स्थिति विचित्र है कि मोदी जी की प्रशंसा भी करनी पड़ती है और निंदा भी करनी पड़ती है, क्योंकि दोनों तरह के काम करते हैं वो, इक्वल डेक्सटेरिटी के साथ करते हैं। सो क्लीन चिट मिलने के बाद उन्होंने तीस्ता से तलवाड़ के बारे में उसमें कमेंट किए हैं कि ये इसने एक मोटिवेटेड कैंपेन चलाया था, तो दीज पीपल शुड बी इन द डॉक, तो उसके बारे में ये लिख रहा है कि जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है, मीडिया कॉम्प्रोमाइज है, और पावरफुल पीएम है जिसके अगेंस्ट ये सारा चल रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसमें कमाल की चीजें देखिए क्या है कि तीस्ता बिलोंग्स टू एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट क्लैन नोन फॉर इट्स इंटेग्रिटी एंड पैशन फॉर जस्टिस। तो यहां पर ये हमारे देश में जो वो क्या बोलते हैं उसे, जमींदारी, जमींदारी की बड़ी प्रथा चलती है और वो सब जगह पे चलती है। तो यहां पर एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, ये मुझे लगता है इसकी 80-90 के बीच में आयु होगी इस समय, लेकिन फिर भी माइंडसेट देखिए कि तीस्ता से तलवाड़ एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट क्लैन को बिलोंग करती है, क्योंकि इसके जो दादा परदादा थे अंग्रेजों के समय में
न्यायालय में रहे हैं, नेहरू के समय में रहे हैं, इसलिए तीस्ता से तलवाड़ का जो डीएनए है वो बहुत बढ़िया है, इसलिए वो जो करेगी वो ठीक करेगी, क्योंकि उसके पूर्वजों की इंटेग्रिटी थी। और पूर्वजों की इंटेग्रिटी क्या थी? वो जनरल डायर जिसने सैकड़ों निहत्थे हमारे देश के लोगों को मरवाया था, क्योंकि वो बैसाखी के दिन एक मीटिंग कर रहे थे, उनको क्लीन चिट देने वाली जो कमिटी थी उसमें इसका पड़दादा, तीस्ता सीतलवाड़ का पड़दादा इन्वॉल्व था। वो पूरा अगर आप इतिहास जानना चाहते हैं तो कल मधुकिश्वर के साथ इस पे चर्चा हुई, आप उसे देख सकते हैं कि किस तरह का अंग्रेजों के तलवे चाटने वाला परिवार था, जिसे एमिनेंट ज्यूरिस्ट क्लैन कह के बताया जाता है। और आगे चलते हैं। हर मैरिज टू फेलो जर्नलिस्ट जावेद आनंद स्ट्रेंथन्ड हर डिजायर टू टेक अप द कॉज ऑफ अ माइनॉरिटी अंडर सीज। ये जो शब्द होते हैं ना, इनमें बहुत ताकत होती है। माइनॉरिटी अंडर सीज, ये वो माइनॉरिटी है जो एक दर्जी के घर में घुसती है, घर में घुसने से हफ्ता पहले वीडियो बनाती है, वीडियो में बताती है कि हम मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि एक लड़की ने मोहम्मद के बारे में कुछ बोला था जो इन्हें पसंद नहीं था, और किसी ने उसका सपोर्ट किया था, जिसने सपोर्ट किया था वो क्योंकि एक सॉफ्ट टारगेट है, हमने उसे पिन पॉइंट कर लिया है, हम उसे मारेंगे, उसका गला काटेंगे, मारेंगे भी नहीं, गला काटेंगे, ठीक। तो वो क्या, वो कौन सी माइनॉरिटी? वो माइनॉरिटी अंडर सीज है, और वो गला काटती भी है, काट के वीडियो बनाती है, उसको गर्व से पोस्ट करती है। और ये जो पोस्ट कर रही कम्युनिटी, उसके पास जो मोटरसाइकिल है उसका नंबर क्या है? 2611, जो वो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर खरीद के लाता है। क्यों खरीद के लाता है? क्योंकि उसको 2611 पे गर्व है कि उस दिन 8-10 इस्लामिक आतंकवादियों ने हमारे देश में आकर काफिरों को मारा था, गोलियों से छलनी कर दिया था। उन्हें ये जो एक ईसाई है जूलियो रिवेरो, ये क्या बताता है? बिलिगर्ड माइनॉरिटी अंडर सीज। अगला सेंटेंस देखिए। एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट हैज ऑलवेज बीन अ फीचर ऑफ एग्जिस्टेंस इन अवर लैंड। तो जो हिंदू इसे पढ़ रहा होगा, स्पेशली जो सेक्युलर टाइप का हिंदू है, क्योंकि मैं रहा हूं, मैं ये मेंटालिटी जानता हूं, वो एक ग्लानी भाव से ग्रसित होता है कि यार हमारा देश ऐसा है कि मुसलमानों को हम एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट रखते हैं, क्योंकि ये तो हमारे लैंड का फीचर है, हमारे इस देश का फीचर बन जाता है। तो इस तरह से जो गुंडागर्दी करते हैं उनके खिलाफ जो आम आदमी है, जो अपनी दिनचर्या में लगा हुआ है, उसको इस तरह से गिल्टी कॉन्शियस फील कराया जाता है। ये इनका इनका प्रोपेगेंडा का मैकेनिज्म है जो काम करता है। द एलिगेशन दैट कांग्रेस वॉज पैम्परिंग द हिंदू मिनोरिटी फॉर मुस्लिम माइनॉरिटी फॉर इलेक्टोरल गेन वॉज नाउ फर्मली एम्बेडेड इन द हिंदू माइंड। याद रखिए कि जो हिंदू है वो है जो कम्युनल है, जो छोटी सोच का है। द कांग्रेस ओनली कंसीडेड द डिमांड्स ऑफ द मुल्लास ऑन रिलीजियस मैटर्स। इट शुड दैट वॉज नॉट द डेजिग्नेटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट एनी गवर्नमेंट इन पावर। इट शुड कीप रिलीजन आउट ऑफ इट्स परव्यू। ठीक है। The charge of pampering for electoral considerations could hold only in the party's dealings with the Islamic clergy. The party could have helped the poor minority if it had diverted attention to education and health instead. देखिए क्या चालाकी है। पहले मुस्लिम माइनॉरिटी अंडर सीज है, फिर पूरे का पूरा जो देश है वो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट रखता है, और हिंदू माइंड में फर्मली छपा हुआ कि मुसलमानों के साथ अपीजमेंट की जाती है। सच में नहीं की जाती, लेकिन हिंदू इतने घटिया हैं कि उनके माइंड में छपा हुआ है कि अपीजमेंट की जाती है, और पुअर माइनॉरिटी को हेल्प की जानी चाहिए थी। ये दो पैराग्राफ सफिशिएंट होते हैं किसी भी एक आम हिंदू को डिफेंसिव बनाने के लिए। और जब वो डिफेंसिव बना देते हैं, उसके बाद फिर वो सेक्युलरिज्म का खेल खेलता है। और जब इस सेक्युलरिज्म में फंसता है, फिर वो गिल्टी कॉन्शियस होता है, फिर वो लेफ्ट के लिए एक बिल्कुल सिटिंग डक बन जाता है, उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। और ये मैं सारा कुछ, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैं इसको बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे फंसाया जाता है लोगों को। आगे देखते हैं जी। आई हैव नोन तीस्ता एंड श्री कुमार फॉर मेनी ईयर्स।
Teesta was responsible for the conviction of a BJP minister in fomenting the riots in Ahmedabad in 2002. अब ये बात कर रहे हैं माया कोडनानी की, जो अभी जेल में है, अब बेल पर निकली है. और दूसरा था बाबू बजरंगी, अ नोटोरियस मुस्लिम बेटर फ्रॉम द हिंदू फार राइट. तो एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, कहीं पर भी मुस्लिम बुरा नहीं है, मुस्लिम ना फंडामेंटलिस्ट है, ये हिंदू है जो घटिया है, ये हमारा देश है जो घटिया है, हिंदुओं के माइंड में गलत ओपिनियन है, उनको गलती है कि मुसलमानों की अपीजमेंट की जाती है. प्रधानमंत्री वहां पे खड़ा होके बोल सकता है कि मुस्लिम्स आर फर्स्ट राइट, लेकिन हिंदुओं को गलत फहमी है कि मुसलमानों को अपीज किया जाता है. चलिए जी, जो बाबू बजरंगी कौन है, नोटोरियस मुस्लिम बेटर फ्रॉम द हिंदू फार राइट. Teesta went about her mission relentlessly and succeeded. The courts, especially the Supreme Court, saw the justice in her pleadings and helped the process of delivering it. तो जब तक तो वो Teesta के अकॉर्डिंग डिलीवर कर रहे हैं, तब तक तो सुप्रीम कोर्ट भी ठीक है. लेकिन जैसे ही वो मोदी को क्लीन चिट देती है, तो अब इसका जुडिशरी से विश्वास उठ जाता है. Perhaps the steady support of the courts had made her believe that she could succeed again, but this time the target was one that even the most intrepid of today's judges would hesitate to touch. But to pass, अच्छा, अब ये क्या बताना चाहते हैं कि क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन गया, मोदी इतना पावरफुल है, तो ये उससे पंगा नहीं ले सकी. यहाँ पर इनका जो मक्कारी है वो क्या है कि बीच में 10 साल ऐसे थे जिस समय Teesta सेतलवाड़ और जूलियो रिबेरो की फेवरेट सरकार थी, एक क्रिश्चियन सरकार थी सोनिया गांधी की. इसी क्रिश्चियन लॉबी से फंडिंग मिलती है Teesta सेतलवाड़ को, और अब ये जूलियो रिबेरो भी क्रिश्चियन है, इसलिए बार बार अपने क्रिश्चियन होने का भी आजकल विलाप करता रहता है. एनीवे, तो पॉइंट ये है कि 10 साल तक सोनिया गांधी के इशारे पर ये औरत काम करती है, इसे तो मैं औरत भी बोल सकता हूँ, और मोदी के अगेंस्ट रिलेंटलेस बैटल इसने चलाई रखी. तो वो कोई ये नहीं था कि वो पावरफुल से लड़ रही थी, या पावरफुल से मिलकर मोदी के अगेंस्ट लड़ रही थी. जस्ट एज आई बिलीव दैट Teesta's कैंपेन फॉर जस्टिस फॉर अ बिलिगर्ड माइनॉरिटी हैज इट्स ओरिजिन इन कंपैशन, द गुजरात पुलिस स्विफ्ट एक्शन अगेंस्ट देयर ओन वन टाइम सीनियर सरप्राइज्ड मी. तो देखिए जी, जो Teesta है वो तो एक भोली भाली बेचारी दबी कुछ भी हुई माइनॉरिटी के लिए काम करती है. ये कौन सी माइनॉरिटी है, आप अभी देख चुके हैं कि माइनॉरिटी कितनी सुंदर है. ये उसका एग्जाम्पल है कि माइनॉरिटी बेचारी दबी कुचली हुई है जिसके लिए Teesta सेतलवाड़ लड़ रही है. ये लॉजिक है हमारे एक्स टॉप कॉप का. टॉप कॉप क्यों कहा जाता है, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर था. फिर वो बताता है कि जो श्री कुमार है, अब श्री कुमार एक आईपीएस ऑफिसर ही था इसी की तरह, जिसने नंबी नारायण जैसे एक बिल्कुल सत्यनिष्ठ वैज्ञानिक को झूठे केस में फंसाया, जिससे हमारे देश का जो क्रायोजेनिक रॉकेट का पूरा प्रोजेक्ट है वो डिरेल हुआ. कम से कम 25 साल वो पीछे जाता है. उस वैज्ञानिक का पूरा जीवन नष्ट कर दिया जाता है. और उस आईपीएस ऑफिसर, उस भ्रष्ट आईपीएस ऑफिसर के बारे में क्या बोल रहा है, सन ऑफ अ फ्रीडम फाइटर. याद रखिए, सन ऑफ अ फ्रीडम फाइटर है. जैसे बुरहान वानी सन ऑफ अ स्कूल मास्टर था, कोई और आतंकवादी धोनी का फैन था, ये जो दो कल मोहम्मद रियाज और घौस मोहम्मद पकड़े गए हैं, ये भी ऐसे ही निकलेंगे, इनके भी कोई पूर्वजों ने कुछ ना कुछ फ्रीडम फाइट किया होगा. तो जो श्री कुमार है उसको बचाने के लिए ये उसके खानदान को बीच में ला रहा है कि सन ऑफ अ फ्रीडम फाइटर है ये. और ही वॉज प्रॉम्प्टली मेड हेड ऑफ, चलिए इसे छोड़ते हैं, व्हेन द गोधरा ट्रेन बर्निंग टुक प्लेस. शब्द देखिए कैसे चुनता है, ये नहीं बता रहा कि वहां पर 59 कार सेवकों को, महिलाओं और बच्चों को जिंदा जलाया गया, सिर्फ उसको क्या बना दिया जाता है, व्हेन द गोधरा ट्रेन बर्निंग टुक प्लेस श्री कुमार वॉज ऑन लीव. ये इनकी चालाकियां हैं जो आम लोगों की पकड़ में नहीं आती है. कि हमने गोधरा ट्रेन बर्निंग की तो बात कर दी, तो हम तो बिल्कुल न्यूट्रल है. तो मुसलमान बेचारे हैं, भोले भाले हैं, पर हिंदू अगर जला भी दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है हिंदुओं को, पूरी पूरी बोगी घेर के, पेट्रोल छिड़क के, महिलाएं और बच्चे अंदर चिल्ला रहे थे,
उनको आग लगा दी जाती है, जिंदा मार दिया जाता है। तो वो खबरों में नहीं आना चाहिए, वो आर्टिकल में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसलमान तो बेचारे होते हैं, बिलिगर्ड माइनॉरिटी है, क्योंकि सारी माइनॉरिटीज बिलिगर्ड है, हिंदू क्योंकि मेजॉरिटी में है, इसलिए उनको मारो, काटो, जलाओ, वो सब चलेगा। मीडिया उसको क्या दिखाएगा? गोधरा ट्रेन बर्निंग टू प्लेस, ये नहीं बताना कि कार सेवकों को जिंदा जलाया। चलिए फिर आगे वही छूट के अ कंटिंजेंट ऑफ द आर्मी रिक्विजिशन इन एड ऑफ सिविल पावर लेड बाय अ लेफ्टिनेंट जनरल वाज केप्ट ट्विडलिंग इट्स थंब ऑन द टारमैक। अब ये लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? ये नसीरुद्दीन शाह का भाई है, जिसने आजकल एक नई कैंपेन चला रखी है झूठ की, जबकि मोदी जी स्पष्ट बता चुके हैं और सारा वो एसआईटी में भी सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है कि किस तरह से आर्मी को इमिजिएटली 3-4 घंटे के अंदर बुला लिया गया था। एनीवे आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, तो फिर वही वाला झूठ के मोदी ने मीटिंग की और कहा कि पुलिस को एक दिन के लिए कि तुम धीरे धीरे चलो, और देर आर वेरी फ्यू ऑफिसर विद स्पाइन लाइक श्री कुमार, कि श्री कुमार जिसने एक साइंटिस्ट का, एक वैज्ञानिक का पूरा जीवन तबाह कर दिया, वो तो रीढ़ की हड्डी रखने वाला आईपीएस ऑफिसर था, लेकिन बाकी सारे नहीं थे। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि दंगे शुरू किए थे मुसलमानों ने, गुजरात के दंगे, क्योंकि उन्होंने 59 कार सेवकों को जिंदा जलाया था, लेकिन उसके बाद हिंदुओं ने रिटेलिएट किया था, और ऑफिशियल आंकड़ा है कि 294 हिंदू मारे गए थे, जिनमें से मैक्सिमम पुलिस की गोली से मरे थे, जबकि इमेज ये क्रिएट की जाती है कि पुलिस ने हिंदुओं का साथ दिया था। और मोटा मोटा ये क्या बताना चाहता है कि अब क्योंकि तीस्ता से तलवाड़ के पीछे पड़े हैं, तो इससे जो एनजीओ एक्टिविज्म है उसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि बड़ा सुंदर रैकेट एक बना हुआ था, फोर्ड फाउंडेशन, मैक फाउंडेशन, सोरोस फाउंडेशन, ये सारे के सारे करोड़ों डॉलर्स देते थे, जो तीसरा सेतलवाड़ को भी मिले हैं। किसी दिन वो मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से लाखों डॉलर्स मिले अकेली फोर्ड फाउंडेशन से, जो सीआईए के लिए काम करती है। तो क्योंकि उस पर कुठाराघात हो रहा है, इसलिए ये उस नेटवर्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरूप सिंह, यस नीरज जी, प्लीज टेक केयर, टाइम्स आर नॉट वेरी गुड इन आवर कंट्री, टाइम वी स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। जी हाँ, अब इसमें कमाल यह है जी कि वी स्टैंड अप एंड बी काउंटेड, जब ऊपर से नीचे तक तंत्र सड़ जाता है ना, तो या तो हम चुपचाप झेलें उसे मुर्दों की तरह, मैक्सिमम लोग तो मुर्दों की तरह जीने की आदत पड़ चुकी है, झेलते रहते हैं, है ना। तो कुछ लोग जब आवाज उठाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो कायर नेता है वो उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको महान दिखने का शौक चल रहा है, उनको नोबेल पीस प्राइज लेना है, पता नहीं क्या लेना है उनको, लेकिन सबसे पहले नेता उनको छोड़ते हैं। उसके बाद जुडिशरी क्या हाल करेगी, अब आपने वो भी देख लिया। तो वी शुड स्टैंड अप एंड बी काउंटेड, लेकिन अब इसमें समस्या क्या आती है कि बिना कारण शहीद होने का भी कोई लाभ नहीं है ना। तो काम करें, स्ट्रेटेजी बदल के करें, अगर स्थिति बदलती है तो स्ट्रेटेजी बदल के काम करने की आवश्यकता है हमें, काम तो करेंगे। शुभम मिश्रा, नीरज जी मन बहुत व्यथित है। जी प्रणाम शुभम जी, सभी का मन व्यथित है, केवल जिहादियों को छोड़ के और मक्कारों, झूठे नीचों को छोड़ के। बहुत चर्चा हो गई, अब इस्लामियों को ऐसी मृत्यु देनी होगी जिससे वो डरते हैं, सूअर का मांस और अंग भंग शत्रु यही भाषा समझता है। शुभम जी, ये बात इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो आप भी लपेटे में आते हैं और मैं भी लपेटे में आता हूं। हमें समझना ये है कि समस्या की जड़ कहां पर है। जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया ना कि जो सन ऑफ हमास है उसने किताब लिखी है और उसने उसमें पूरी सच्चाई एक्सपोज कर दी कि तुम ये ऑर्गेनाइजेशन, अब क्या बोलोगे, जैसे आजकल ये नौटंकी फिर शुरू हो गई है कि देखो जी ये तो जो जो दो मुसलमानों ने मारा है कन्हैया लाल को,
ये तो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जी, इनके पाकिस्तान से तार जुड़े हुए। अरे भैया पाकिस्तान से तार जुड़े कैसे थे? वो 10 साल पहले पाकिस्तान जाके आया था, तो इसका मतलब ये कि उस समय से उसको वहां पे रेडिकलाइज किया गया, यहाँ पे नहीं हो रहा है। जो सड़कों पे लाखों की भीड़ आती है सरतन से जुदा करने वाली, ये चालबाजियां होती हैं इनकी, कि ये छिपाने की कोशिश करना कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पोटेंशियल टेररिस्ट हमारे पड़ोस में घूमते हैं। कश्मीरी हिंदुओं के साथ उनके अपने पड़ोसी थे जिन्होंने छल किया था। तो हमें ये सारी स्ट्रेटेजी समझनी है और फिर अपने आप को बचाते हुए काम करना। वो तो काटने के लिए तैयार बैठे हैं, स्टेट अपरेटस उनकी सहायता कर रहा है, नेता उनकी सहायता कर रहा है, वो तो काटने को तैयार बैठे हैं। 2-4 का एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, कर दें ताकि बाकी के डर के चुप हो जाए। इसलिए शत्रु जो भाषा समझता है वो भाषा बोलनी चाहिए, कोई दो राय नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो आप पर हमला करने आता है उसको मारिए काटिए, इसका तो कानून भी इजाजत देता है। सेल्फ डिफेंस में कुछ भी करें वो करना हमें करना चाहिए। बस हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि हम उनके जैसे राक्षस ना बन जाए, कि जो गुंडे बदमाश हैं केवल उन्हीं को टारगेट बने बनाए, पुलिस में कंप्लेंट करें, जो वैधानिक तरीका है उसको जरूर अपनाएं। और लातों के भूत हैं तो लातें भी मारें उनको। मनीष कुमार जी, जी मनीष जी, पत्रम पुष्पम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मालिके नबी 4 अन्नसा आयत 97, अगर काफिरों के देश में रहते हो और जुल्म सहते हैं तो तुम्हें जरूरत है तुम उस देश को छोड़ दो, अगर तुम नहीं करते तो तुम्हें जहन्नुम में डाला जाएगा। जी हाँ, हिजरत का कंसेप्ट इनका है ही है, लेकिन इसमें अब समस्या क्या है, देखिए आप किसको बोलेंगे कि दारुल इस्लाम और किसे बोलेंगे कि दारुल हर्ब है, ये सोचना पड़ेगा ना। क्योंकि आज जो घटना घटित हुई है उसे देखकर क्या करें अब। यस, इफ यू वांट टू लिव पीसफुली देन बिहेव लाइक अ पीसफुल। जी हाँ, यही संदेश दे रहे हैं। आजाद ग्राउंड जी, नमस्ते आजाद ग्राउंड जी, स्वागत है आपका। सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पर ना डालो, खुद भी कोई अपना अपनाओ भाइयों, ये देश हमारा घर है। हाँ ठीक बात है जी, शरीफ साहब ठीक कह रहे हैं कि हमारा देश है, हमें बचाना है। देश तो बचाना है साथ में धर्म भी बचाना है। देश तो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एंटिटी रह जाता है, धर्म को बचाने की आवश्यकता है हमें, क्योंकि उनका जो आक्रमण है वो धर्म पर हो रहा है और अपना दायित्व हमें निभाना पड़ेगा। उन्होंने ये जो मैंने कल आपसे बात की ना कि 75 वर्षों में उन्होंने अपने प्यादे अपने बदमाश हर इंस्टीट्यूशन में फिट कर रखे हैं। कुछ पैसे पे बिके हुए हैं, कुछ लड़कियों पे बिके होंगे, कुछ शराब की बोतलों पे बिके होंगे, लेकिन बिके हुए उन्होंने सब जगह प्लांट कर रखे हैं, मीडिया में भरे पड़े हैं, जुडिशरी में आपको मिल जाएंगे, लेजिस्लेचर में मिल जाएंगे, एग्जीक्यूटिव सब जगह कॉम्प्रोमाइज है। तो उन्होंने पूरा लैंड माइन सब जगह बिछा रखा है। जो मैं दो शब्द में बार बार बोलता हूं कि सब जगह फील्डिंग उन्होंने सेट कर रखी है, लैंड माइंस बिछा रखे हैं और आपको फंसाने को तैयार बैठे हैं। आप बोलें और वो आपको दबोचे, तो आपको काम करना भी है और फंसना भी नहीं है। अब ये कैसे किया जा सकता है, बस इसको सोचने की आवश्यकता है। रियल एक्स मुस्लिम विल एंड देयर लाइफ इन दिस मूवमेंट। आजाद ग्राउंड जी ठीक है, आपकी आपके भाव में समझता हूं, लेकिन देखिए ऐसा है कि जान देने से ना डरना चाहिए ना डरते हैं, लेकिन अपना विकेट गंवाने के लिए नहीं होता। जब तक बचा सकते हैं जितना बचा सकते हैं बचा के खेलें। वही कहा जाता है कि अ डेड सोल्जर इज ऑफ नो यूज टू एनीबडी। यदि सैनिक मर जाता है, सेनापति मर जाता है तो काम नहीं ना, वो अपनी सेना के काम नहीं आ सकता। तो जीवित रह के रहते हुए काम करेंगे, वी कैन फाइट अनदर डे, लड़ सकते हैं तो लड़ना भी चाहिए। और आपकी बात ठीक है, एक्स मुस्लिम, देखिए कई एक्स मुस्लिम है आप जैसे जो अपने जीवन को दांव पे लगा रहे हैं, कई नहीं बहुत थोड़े से अभी तो जो अपने जीवन को दांव पे लगाए हुए हैं।
इनका सहयोग करने की हमें आवश्यकता है। और ये जो मक्कार सब जगह घुसे हुए हैं, इनसे अपने आप को बचाते हुए अपने धर्म का, अपना जो स्वधर्म है उसे निभाने की आवश्यकता है। चंद्रशेखर जगन्नाथ, नमस्कार जी, नमस्कार, जय श्री राम। मैं तमिलनाडु से हूं और यहाँ की गवर्नमेंट भी मुस्लिम अपीजमेंट में बहुत जोर शोर से लगी हुई है। चंद्रशेखर जी, पूरे देश की यही स्थिति है, यही मैं बार बार बता रहा हूं कि उन्होंने सब जगह पर अपने लोग प्लांट कर रखे हैं या बिकाऊ माल है तो खरीद रखा है। देखिए 75 साल का हमें मिला क्या है, नेहरू जैसा भ्रष्ट आदमी टॉप पे बैठा था, और जब टॉप पे बैठा भ्रष्ट होता है ना, तो भ्रष्टाचार पूरा नीचे तक एक एक इंस्टीट्यूशन में फैलता है, और वही हम देख रहे हैं। हर जगह पर आपको दिखेगा भ्रष्ट व्यक्ति आपको सब जगह दिखेगा, और वो पूरे गर्व से, मतलब बिना किसी शर्म के अपना काम करते हैं, क्योंकि हमने इस भ्रष्टाचार को, हमने नहीं मतलब हमारी सक्सेसिव सरकारों ने भ्रष्टाचार को ग्लैमराइज कर दिया, उसको महिमामंडित कर दिया है, तो वो सब जगह पे हो रहा है। इसको तोड़ना आवश्यक है, तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना चाहिए। कैसे तोड़ेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी इसके लिए, और तमिलनाडु अकेले का ये हाल नहीं है, सब जगह पर ये हाल है। यदि हम एक योगी जी को छोड़ दें और एक हेमंत बिस्व शर्मा को छोड़ दें, जहाँ ऐसा अभी तक तो कम से कम ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप को बचाएं, अपने आप को बचा के रखते हुए जहां जहां ये राक्षस दिखते हैं, सब जगह पर घुस चुके हैं, इनको नेस्तोनाबूद करने की आवश्यकता है। नीनाश, अच्छा ये आपस की जो चैटर है उसे मत लाया कीजिए जी। नेक्स्ट, आरसी, अपने लोगों का विकेट बिना गवाए इनको हराना है। हाँ, क्रिकेट से यदि एग्जाम्पल लेना है ना, तो मैं दो लोगों के एग्जाम्पल लेता हूं। एक तो अनिल कुंबले का, यदि वो कभी पिट भी रहा होता था तो भी लगातार वो बॉलिंग करता रहेगा, लगातार अपने काम में लगा रहता था। तो और दूसरी एग्जाम्पल लेता हूं स्टीव वॉ की, कि अपना विकेट गंवाना नहीं है, बचा के रखें जितना हो सके। अल्टीमेटली तो गिरता ही है विकेट, सबका गिरना है, जान तो सबकी जानी है, लेकिन उसको हल्के में मत दीजिए। अपूर्वा सिंह, नीरज जी, व्हाट आर वी डूइंग अगेंस्ट दैट डाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म, फॉर एग्जांपल व्हाट राजीव मल्होत्रा हैज कवर्ड इन हिज वीडियोस। देखिए ऐसा है कि हर फ्रंट पे एक वॉर चल रही है, तो डाइजेशन वाला एक और फ्रंट है, वो क्रिश्चियन डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ सीमा तक उसमें सफल भी हो रहे हैं, तो उसका भी प्रतिकार करने की आवश्यकता है। और होगा कैसे, देखिए ये सारे की जड़ में क्या है आप उसको पहचान लीजिए। उन्होंने झूठ को दबा के रखने के लिए, क्षमा कीजिए, सच को दबा के रखने के लिए और झूठ का प्रचार करने के लिए तंत्र बनाया है। इतनी इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने इन्वेस्ट किया, मास मीडिया में कितना इन्वेस्ट करते हैं वो, उसका उद्देश्य यही है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन सच्चाई निकल आई, उस दिन ये जो मजहब है, जो वन गॉड वाले मजहब है, जो नफरत सिखाने वाले मजहब है, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसीलिए एक बना है रिलीजन ऑफ लव, दूसरा बना है रिलीजन ऑफ पीस। तो हमें इनकी वास्तविकता लोगों तक पहुंचानी है, जो मैं करता हूं या बाकी जो हमारे साथी दिन रात करते हैं, ये इनका एंटीडोट है, इनकी काट है, इसे हल्के में मत लीजिए। सड़क पे लड़ाई होती है, वो करनी आवश्यक है, वो स्पेक्टेक्युलर लगती है, लेकिन जो यहां वाला युद्ध है ना, उस पे ध्यान दीजिए। उन्होंने उल्लू बनाया कैसे, ऑल रिलीजन आर सेम वो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उन्हें पता है कि हिंदू को उल्लू बनाना है तो ऐसे ही तो बनाएंगे, और इसीलिए वो डाइजेशन कर रहे हैं। जिस दिन आप सच बता देंगे कि ये जीसस क्राइस्ट का सच है, ये क्रिश्चियनिटी का सच है, उसके बाद डाइजेशन होना बंद हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा जो इनके टारगेट बनते हैं जी।
नेक्स्ट प्लीज. ओके, तो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे. सेक्युलर तो भाजपा भी है. हाँ ठीक बात है जी, भाजपा को सेक्युलरिज्म के कीड़े ने काट रखा है, कब इससे उभरेंगे पता नहीं है. लेकिन देखिए परिणाम क्या होता है, एक बार नेतृत्व में गलती दिखाई भाजपा वालों ने, नुपुर शर्मा को छोड़ दिया. परिणाम क्या हुआ, आप जैसे ही कमजोरी दिखाते हैं इन गुंडों के सामने, ये शेर बन जाते हैं, ये वो गीदड़ हैं जिनसे आप यदि डरेंगे तो ये शेर बनेंगे. और अब क्या हो रहा है देखिए जरा, अखिलेश यादव जैसे मक्कार क्या बोल रहे हैं, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये कमेंट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल है कि देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए, और उसे क्षमा मांगनी चाहिए, तो अखिलेश यादव क्या बोलता है, पता नहीं कौन सी टोंटी खोल रहा था उस समय, सिर्फ मुख को नहीं शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए और देश में अशांति और सौहार्द बिगाड़ने की सजा भी मिलनी चाहिए. अब ये आपको क्या बता रहा है, जरा ध्यान दीजिए इस पे, कि अब शय मिल गई है, इसे बोलते हैं शय मिल जाना. आपने अपनी घर की बच्ची को शर्मिंदा करा दिया, उसको क्षमा याचना पे बातें किया, आपने सोचा कि आप इनको खुश कर लेंगे, अपीज कर लेंगे. लेकिन जैसे ही आपने नुपुर शर्मा को इन भेड़ियों के सामने डाला, उन भेड़ियों ने क्या किया, उन्होंने क्षमा तो करना ही नहीं था क्योंकि वो उनकी फितरत नहीं है, उन्होंने तो वो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं और उनके चेले चांटे, उनके गुंडे बदमाश, उनके गुर्गे सब जगह हैं. ये सारी उम्र इसके बाप ने क्या किया था, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, सैकड़ों राम भक्तों की हत्या करवाई थी इसके बाप ने जब राम मंदिर वाला आंदोलन चल रहा था. और अभी भी इनका डीएनए, डीएनए की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, इनकी मानसिकता वही है. जैसे इनको अवसर मिलेगा हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नीचा दिखाने का, गिराने का, ये कोई मौका नहीं छोड़ेंगे. और फिर से कहता हूं, ये अपना काम ठीक कर रहे हैं, अखिलेश यादव को जो काम दिया गया है वो अपना काम ठीक कर रहा है. ये गलती की है हमारे सो कॉल्ड नेताओं ने, जो अपने आप को बहुत शाणा समझते हैं, ये हम बहुत चंट हैं. राजू जी सुपर स्टिकर के लिए आपका धन्यवाद, आभार आपका बहुत बहुत. चंद्रशेखर जी, है हिंदू राष्ट्र, हम युवा कट्टर हिंदू की राह पर जरूर चलेंगे. जी हाँ चंद्रशेखर जी, चलना चाहिए क्योंकि और हमारे पास विकल्प नहीं है. हाँ एक विकल्प क्या है कि मुर्दों की तरह या तो बकरा दाढ़ी रख लो, अपनी बहन बेटियों को काले तंबू में घुमाने के लिए तैयार हो जाएं, हलाला जैसी प्रथाओं को अपनाने के लिए तैयार हो जाएं, या तो वो है. यदि गर्व से जीना है, अपने पूर्वजों का ऋषि ऋण यदि चुकाना है, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है. जितनी स्थिति विषम हो, जितनी स्थिति विकट हो, कितने धोखे मिलते रहे हमें, संस्थाएं धोखा दे रही हो, नेता धोखा दे रहे हो, हमें अपना स्वधर्म मान के एक कार्य निरंतर करते रहना है और हिंदू राष्ट्र बनाए उससे आरंभ करें. और हमें पूरा विश्व हिंदू बनाता है, क्रीड़वंतो विश्वम आर्यम को ध्यान रखें, कट्टर हिंदू बने और इस पर चलना चाहिए, चलेंगे अवश्य. अजेंद्र चौरसिया, अब समझ में आया मुगल भारत पर हमला क्यों किए थे, क्योंकि उन्हें पता था भारत में नुपुर पैदा होने वाली है और वो बयान देगी, सुप्रीम कोर्ट की जय हो. हाँ अजेंद्र जी, या मुगलों से पीछे जाना पड़ेगा आपको तो, कि जो हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब थे वो तो रहमतुल आलमीन थे, आपको पता होना चाहिए. और क्योंकि वो रहमतुल आलमीन थे, उन्होंने तो कभी कोई गलत काम किया नहीं, उन्होंने तो बड़ा शांति का मजहब बना के दिया. लेकिन जो आदमी सबसे पहले कुरान लिखने के लिए उन्होंने रखा था, अब्दुल्ला बिन साद नाम का, उसे लगा कि मोहम्मद साहब झूठे हैं,
ये इसमें कुछ ना कुछ गप है। तो उसने इस्लाम छोड़ दिया और वो भाग गया। तो मोहम्मद साहब तो भोले भाले थे, शांति का संदेश देते थे, इसलिए उन्होंने अपने साथियों को एक लिस्ट पकड़ाई थी कि जब तुम, अब हम मक्का जा रहे हैं हमला करने के लिए, तो इस लिस्ट में जिनके नाम है उनको तुमने जिंदा नहीं छोड़ना है, ठीक। और उसमें सबसे पहला नाम अब्दुल्ला बिन साद का था, क्योंकि वो क्या कह रहा था कि झूठा नबी है, किताब नकली है, ये अपनी ओर से आयतें बना लेता है, तो ये उसने कहा, ठीक है। तो नबी अकरम ने तो कोई गलती नहीं की, उन्होंने तो लिस्ट अपने साथियों को दे दी और फिर उसे मारने के लिए निकल पड़े। और जब वहां से मारने के लिए निकलते हैं तो वो कहीं छिप जाता है, बच जाता है, और फिर वो उससे लगता है कि माफी मांग लेनी चाहिए, और तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब आपको सब और कुछ बचता ही नहीं है ना, कि जो काजी है वो भी उनका है, जो पुलिस है वो भी उनके, सारा कुछ उनका है, तो आप या तो मरोगे या माफी मांग के मुसलमान बनोगे। तो वही उस अब्दुल्ला बिन साद ने भी किया। लेकिन वो घटना इतनी सुंदर है कि जब वो माफी मांगने पहुंचा तो हुजूर साहब बैठे हुए हैं, अपना दरबार सजा हुआ है, आसपास उनके चेले चांटे खड़े हैं, उनके पास तलवारें हैं। तो वो पहुंचता है कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो हुजूर साहब थोड़ी देर तक इधर उधर देखते हैं, उसे बात नहीं करते। थोड़ी देर के बाद जब वो बोलता रहता है तो फिर बोलते हैं, चलो इसे माफ कर दिया, तौबा कबूल हो गई इसकी। जब वो चला जाता है तब नबी पाक अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से पूछा कि तुमने इसका सर क्यों नहीं काटा? मैं तो इसीलिए चुप बैठा था कि कोई इसका सर काटेगा। तो जो ये आसपास के लोग थे, कितने अच्छे लोग थे, सहाबा लोग थे, उन्होंने कहा आपने कोई इशारा कर देना था। तो हुजूर साहब बोलते हैं कि नबी इशारा नहीं करते, अपने आप तुम्हें समझना चाहिए था, ठीक। तो एक गला काटने की परंपरा वहां शुरू होती है। तो संभवतः नुपुर शर्मा के बारे में 1400 साल पहले मक्का अरेबिया में भी कुछ पता चल गया हो, कुछ कह नहीं सकते, इसके बारे में उनकी बायोग्राफी में नहीं है, लेकिन जो तब से आज तक सर काटे जा रहे हैं पूरे संसार भर में, तो हो सकता है नुपुर शर्मा के पास कोई टाइम मशीन हो, पीछे गई और उसने ऐसा किया हो। अजेंद्र जी, हो सकता है, आपकी बात में वजन है बहुत। संदीप जी, सुपर स्टिकर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। राजू, नीरज जी, राम राम। हमारा इकोसिस्टम कब और कैसे बनेगा? सबसे पहले जुडिशरी और पुलिस को निर्वाणा चाहिए। राजू जी, अभी तो देखिए क्या हुआ है कि इकोसिस्टम सरकार तो बना नहीं रही, जिस सरकार से अपेक्षा की जाती है वो इकोसिस्टम पहली बात तो बना नहीं रही। यदि बना रही है तो हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, वो कहीं पे कोई छुप के किसी अफ्रीका के किसी रेगिस्तान में या खंडहर में छुप के बना रहे हो, तो उसका मुझे पता नहीं, पर आज तक तो ऐसा कुछ बनता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और जो आम लोग बना रहे थे उसका सत्यानाश करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए ये नुपुर शर्मा वाला एपिसोड सफिशियंट है, क्योंकि बनाने में समय लगता है, लेकिन जो पहले से कैप्टिवेट उस पे कैप्चुलेट करके बैठे हैं उन्हें बन रहा सिस्टम ध्वस्त करने में समय नहीं लगता। और जो आपने जुडिशरी का नाम लिया है वहां से आप समझ सकते हैं कि उनकी पैठ कितनी भयंकर हो चुकी है। तो कब बनेगा, कैसे बनेगा, आज मेरे लिए कहना कठिन है, क्योंकि आज एक झटका और ताजा ताजा लगा है। ऐसे लगेंगे, ये तो बार बार आएंगे, इनसे हम बिना विचलित हुए अपना काम करते रहे, निरंतर करते रहे। और एक बात याद रखिए कि बहुत से लोग अरेस्ट भी होंगे, बहुत से लोग मरेंगे भी, हमें बिना व्यथित हुए, बिना विचलित हुए अपना काम निरंतर करते रहना पड़ेगा, तभी ये इकोसिस्टम बनेगा। और ये मान के चलिए कि कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं, कोई सत्ताधारी जोकर जो बने बैठे हैं आज, वो इसमें सहायता नहीं कर रहे, ये हम एक एक इंडिविजुअल को करना पड़ेगा। जैसे अभी किसी ने 20 रुपए का भी सुपर स्टिकर भेजा है, तो ये उसमें सहायक होता है। एवरी ड्रॉप काउंट्स। उनके पास ज़कात का पैसा आता है, हजारों करोड़, हजारों करोड़, वो किसी को भी खरीद सकते हैं। तो जो बिकाऊ माल है वो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है, और देते हैं, और सब जगह बैठा है वो बिकाऊ माल। तो अगर बिकाऊ माल हमें भी खरीदने की आवश्यकता हो तो हमें धन चाहिए होगा,
खरीदेंगे हम, यदि ये तरीका है तो ये भी अपना लेना चाहिए। जी संतोष मिश्रा जी, सुपर स्टिकर के लिए बहुत आभार आपका। इसमें जो मैंने पिछली बार कहा था कि इन्वेस्ट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के काम नहीं होने वाला है, वो इन्वेस्टमेंट तन मन धन सबकी होती है। आप अपने तन को सुरक्षित रखें, फिट रखें, और जहां आवश्यकता हो वहां पर तन से पार्टिसिपेट करें। मन में ये ज्योत सदा जला के रखें कि हमें काम कर रहा है। आज से 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम्हारा हृदय संसार के किसी भी कोने में हिंदू बैठा उसके लिए धड़कना चाहिए। तो ऐसा मन से सहयोग करने की आवश्यकता है, और धन से भी। आप देखिए, अब ये अभी आजाद ग्राउंड जो शरीफ जी हैं वो आए थे, पूजा प्रवीण उपाध्याय है, ईमान वाला काफिर है, समीर है, साहिल है, ये वो लोग हैं जो सामने आके लड़ रहे हैं। मैं हूं, संजय दीक्षित है, तो फेल चतुर्वेदी है, जो इनकी वास्तविकता को एक्सपोज करने में काम कर रहे हैं, ये जानते हुए कि क्या कर सकते हैं। तो इन सब का सहयोग करें, नैरेटिव ऐसे ही बनेगा, और जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक ऐसी हार, ऐसी टेम्परेरी सेटबैक्स देखनी पड़ेंगी। सुनील अरोड़ा जी, सॉल्यूशन तो बनाना ही पड़ेगा, एब्सोल्युटली बनाना पड़ेगा जी। There is no output without solution. Absolutely right. We need all of you to come together. अब ये जो all of you to come together वाला है ना, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। Never put all the eggs in one basket. अभी हम समाज के रूप में करते क्या हैं? जैसे ही थोड़ी सी चेतना जागृत होती है तो हमें लगता है यार अपनी संस्था तो है नहीं, क्या करें, जो संस्था बनी है उससे जाके जुड़ जाते। तो बहुत बड़ी संस्था से जब आप जुड़ते हैं तो वहां पर एक मैकेनिज्म होता है कि आदेश आएगा तो काम करेंगे, तो उसमें फंस जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं छोटी छोटी संस्थाएं बनाएं, उनकी बाद में नेटवर्किंग हो सकती है, लेकिन अभी छोटी छोटी संस्थाएं बनाएं, उसमें काम करें, जो लाइक माइंडेड है वो जुड़े। मैं समझ रहा हूं आप जो कहना चाहते हैं, ऑल ऑफ यू टू कम टूगेदर, उस पर भी काम करेंगे, करना उस दिशा में भी बढ़ रहा है काम। तो सारे सॉल्यूशंस हमें एक साथ लेके चलना पड़ेगा, सब स्तर पे काम करना पड़ेगा। जैसे वो करते हैं ना, कुछ लोग हैं जो लैंड जिहाद पे लगे हैं, वो जाएंगे कहीं ना कहीं 4 ईंट रख के मजार बनानी शुरू कर देंगे। कुछ हैं वो लड़कों को पैसा देते हैं कि तुम जाओ लड़कियों को फंसा के लेके आओ, कुछ हैं जो वकीलों को पटाते हैं कि तुम लोगों ने इनका केस नहीं लड़ना, कुछ हैं जो जजों को खरीदने में लगे हुए हैं। तो उनके लोग हर लेवल पे काम करने में बैठे हैं, कुछ को मीडिया में फिट किया जाता है कि तुम वो काम करो। तो सब जगह पे ये काम चलता है। जिहाद बिल सैफ होता है, जिहाद बिल कल्ब होता है, जिहाद बिल लसन होता है। तो ये अलग अलग जो वो काम कर रहे हैं अलग अलग लेवल पर, वो हम सभी को कर रहे हैं। अजेंद्र चौरसिया जी, सर पाकिस्तान बनने का मुख्य कारण ही था भारत में नुपुर शर्मा का होना, इसीलिए बिचारी अपना देश ले लिए और जो बेचारे रुक गए उनकी भावनाएं आहत हो रही है। हो सकता है जी, क्योंकि नुपुर शर्मा तो बहुत बहुत बुरी महिला मुझे लग रही है। उसको सब सब मुसलमानों के घर जाके, एक एक मस्जिद में जाके संभवतः माफी मांगनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। चरण स्पर्श करके सभी के उसे माफी मांगनी चाहिए कि उसकी सबसे बड़ी गलती है। क्या क्या गलतियां गिनाएंगे बेचारी। जी ओके जी, तो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। एक बार फिर से आज के लिए, एक मिनट पहले मैं एक कमेंट ले लेता हूँ। चंद्रशेखर जी, सर जी हम भी एक हिंदू इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है चंद्रशेखर जी, कोई दो राय नहीं है। और विदेश में रह रहे NRI को हिंदू कॉज के लिए फंडिंग रेजिंग जैसे ही करनी पड़ेगी। पुष्पेंद्र जी, आप संजय सर तुफैल गुरु जी, हाँ ठीक बात है आपकी, ये सब करना पड़ेगा और हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सभी को करना है। और ये जो आपने 4-5 लाख नाम गिनाए हैं, ऐसे नहीं, ऐसे हमें 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 नीरज अत्री होने चाहिए, तो फिर चतुर्वेदी होने चाहिए, पुष्पेंद्र होने चाहिए, सैकड़ होने चाहिए।
एक संजय दीक्षित आईएएस ऑफिसर निकल के आते हैं, हमारे लिए हर आईएएस ऑफिसर वैसा होना चाहिए। तो इसके लिए प्रयासरत हमें रहना चाहिए, रहना पड़ेगा। और इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि बिना पैसे के काम नहीं चलने वाला, वो हमें करना पड़ेगा। और ये स्थिति देखकर आज तो मुझे भी लग रहा है कि बहुत त्वरित गति से काम करने की आवश्यकता है इसमें, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि अब हम एक दिशा में चल पड़े हैं, मेरा छोटा सा काम है वो मैं करूंगा, बाकी सब करते रहेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि और बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है, तो करेंगे वो। लेट अस लीव नो स्टोन अनटर्न, हर काम करें हम, क्योंकि दुश्मन सब जगह बैठा है, वो दीमक की तरह हर जगह पहुंच के घुन लगा रहे हैं, लगाते रहे हैं, तो हमें उनको निकालने के लिए सब जगह पे घुसना पड़ेगा। तो घुसेंगे, स्वधर्म की इसे स्वधर्म मान के काम करेंगे, और जब हम एक एक व्यक्ति ऐसे काम करेंगे ना, तो अवश्य परिवर्तन आएगा। ये मैं आज जानबूझ के लगा के आया हूं, और प्रयास ये करूंगा कि इसे हर बार लगा के आए। इन छोटी छोटी चीजों को महत्व देना आरंभ करते हैं और काम करते हैं। और आज के इस लाइव के दो मुख्य उद्देश्य थे, एक ये बताना कि जो ये जहरीले नाग सब जगह पहुंचे हैं, जो झूठ बताते हैं, मीडिया का उपयोग करते हैं, इससे बचें, अखबार अपने घर में लाना बंद कर दें, क्योंकि लोग ऑल्टरनेटिव पूछते हैं, ऑल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास, सबके सब बिके हुए हैं, सबके सब यही नैरेटिव चलाते हैं। अखबार को पैसा मत दीजिए, वो पैसा आप जो नैरेटिव चला रहे हैं, हम जैसे लोग हैं उनको वो पैसा देना शुरू कर दीजिए, हालांकि उससे बहुत ज्यादा भी देना चाहिए, लेकिन वो तो कम से कम आरंभ कीजिए। अपने बच्चों को अखबार के भरोसे मत छोड़िए कि उनकी अंग्रेजी सुधर जाएगी, उनकी जनरल नॉलेज सुधर जाएगी, नहीं, उनको वहां जहर सुनने को मिलेगा, जहर पढ़ने को मिलेगा, उससे उन्हें बचाएं। और दूसरा कि ये जो टेम्परेरी सेटबैक है वो हमें मिलते रहेंगे, हमें उनको सहन करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक देम इन अवर स्ट्राइड। और यदि एक की जबान बंद होती है तो दूसरे की चलती रहनी चाहिए, एक के हाथ काटते हैं तो दूसरे के हाथ चलते रहने चाहिए, ये निरंतर करने वाला काम है, सब मिलके करेंगे। इसी के साथ इति श्री की ओर चलते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक और कमेंट आया, मैं उसे ले लेता हूं। अजेंद्र जी, क्या जज के फैसले पर भी किसी की भावना आहत हो सकती है? जी, उन्होंने क्या किया, उसको फैसले में नहीं डाला। अजेंद्र जी, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने क्या किया है, उसको ओरल कमेंट्स है, उसको जजमेंट में नहीं, ऑर्डर में नहीं डाला है उन्होंने। ठीक है जी, तो एक बार पुनः लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और लोगों में जरूर फैलाएं, बात को पहुंचाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सपोर्ट करते रहें हमें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।